हेलो जी, क्या हाल चाल? तर खबरें आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से लाजमी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे न्यूज वगैरह लाता रहूं। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। यार सबसे पहले फहद डीन के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा कि रिसेंटली फहद के साथ एक कार सर्विस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था, जिसमें उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता था। और यार उसी स्कैम से अवेयर करते हुए उन्होंने लोगों के लिए एक वीडियो शेयर की है, तो वो क्या कहते हैं आप लोग खुद ही देख ले। आज मेरे साथ एक स्कैम होने लगा था, तो मैंने सोचा कि तुम लोग भी उस चीज का बताऊं, उससे अवेयर करूं। मैं कैब सर्विस पर ट्रैवल कर रहा था, जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। तो उस कैब सर्विस का जो ड्राइवर था, उसने मुझे पूछा कि आप मुझे कैश में पे करेंगे कि आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। तो मेरे पास मोस्टली जब मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं अपने पास कैश ही रखता हूं। तो उसको मैंने बोला मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। उसने मुझे पूछा कि आप अपने कौन से वॉलेट से पे करेंगे मुझे। मैंने कहा मैं अपने जैस कैश अकाउंट से पे करूंगा। उसने कहा ओके। उसने कहा मेरा जैस कैश, ड्राइवर ने मुझे बोला कि मेरा जैस कैश अकाउंट खराब हुआ है, तो आप ऐसा करें मैं आप को एक कोड भेजा, आप मुझे कोड बताएं, तो आप जो राइड के पैसे ना वो आपके अकाउंट में से जैस कैश अकाउंट से डिडक्ट होके मेरे उस वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो 2 सेकंड पहले सोचा, मैंने कहा यार ऐसा कुछ होता तो नहीं, मैंने शायद कोई नया फीचर हो जाए। वो कोड आ गया, मेरे सिम पे कोड भी आ गया, और ऑलमोस्ट मैं उसको बताने वाला था, तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ फिशी सा लगा, तो मैं रुक गया। मैंने कहा एक्चुअली मैंने अभी देखा कि मेरे जैस अकाउंट में कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, तो मैं आपको अपने बैंक अकाउंट से सेंड करूंगा पैसे। तो उसने बोला कि मेरा तो, मैंने भी आपको बताया कि मेरा तो जैस कैश अकाउंट खराब हुआ चल रहा है। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने किसी और जानने वाले के अकाउंट में मंगवा लो, बट मेरे जैस अकाउंट में पैसे पड़े नहीं है, तो मैं आपको कैसे सेंड कर दूँ। तो ये चीज़ करने का मेरा मकसद ये था कि अगर मैं उसको कोड बताता तो वो राइड के पैसे जो कटने थे वो तो कटने ही थे, बट उसके अलावा मेरे जैस अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे उसके अकाउंट में चले जाते, तो मेरा बेसिकली जैस अकाउंट हैक हो जाना था। तो स्कैम तो आजकल सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, तो आप लोग इसे स्कैम वगैरह से अवेयर रहना। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो मुनीब की मीम्स के रिलेटेड है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले मुनीब की मीम्स ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका जो है वो एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, और यार उसमें उनको काफी ज्यादा चोटें वगैरह भी आई है। अब बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो है वो अक्सर कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह में फंसे रहते हैं, तो उसी किसी कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में इनको किसी ने पीट दिया है, या तो वो लोगों को पागल बना रहे हैं। उसी सब के रिलेटेड बात करते हुए उनकी तरफ से एक वीडियो आई है, और वो बात करते हुए कुछ ये कहते हैं। सर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि व्हाई डू आई लुक सो हैंडसम, तो मेरी ये जॉ लाइन और मेरी हेयर लाइन इतनी प्यारी लगने की वजह ये है कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं बाइक पे जा रहा था एज़ यूजुअल इफ्तार के बाद अपने दोस्तों से मिलने, एंड रास्ते में आ गया एक कुत्ता, मतलब मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, लिटरल में एक कुत्ता आ गया था सामने, और वो उछल के आ गया मेरी बाइक के आगे और खड़ा हो गया। अब मैं तेज़ी से आ रहा, तो मैं उसमें जब लाके लगा तो स्लिप हुई और पूरा यहाँ पे रगड़ता हुआ गया। यहाँ मेरे टांके हैं और इधर टांके हैं, और बाकी जगह तो माइनर से स्क्रैचेस हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हाल है मेरा। अब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मिसकंसेप्शन हो रहे थे लोगों को कि पता नहीं पिट गया है, ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी ने मारा है इसको, हसन बेग ने मार दिया पकड़ के, पता नहीं किस किस से दुश्मनी ली हुई है, वो सबके नाम ले रहे थे, उसने मार दिया इसने मार दिया, एक किसी ने नहीं मारा है मुके, और इंशाल्लाह एक हफ्ते में रिकवर हो जाऊंगा। जिस तरीके से हर चीज सोशल मीडिया पे सही नहीं होती, उसी तरीके से कुछ कुछ चीजें सही भी निकल आ जाती हैं। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और यार बात कर लेते हैं फुरकान शेख के रिलेटेड। सीन कुछ ऐसा है कि फुरकान शेख ने रिसेंटली पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को, जो कि अपने पेशों का शो ऑफ करते रहते हैं, जिसमें शाहिद अनवर भी शामिल है, उन्हीं को ट्रोल करते हुए उन्हीं को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो अपने पेशों का फ्लेक्स कर रहे होते हैं, और वो इन्हीं क्रिएटर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को कुछ ये कहते हैं। हाँ भाई, गरीब के बच्चों, भंगी के बच्चों, छनकरे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर टिकटॉक कर सारे एक साथ इधर आ जाओ, तुम्हारा बाप आ गया। ये देखो 4 मिलियन खर्च किया है, तुम्हारे पास 3 मिलियन व्यूज नहीं आते, छनकरे ये देख 4 मिलियन मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ पैसा खर्च किया है, और ये देखो 12 मिलियन कमाया है, डॉलर्स में कमाया है, देखो डॉलर। शाहिद अनवर को बोलो कि इधर आओ, इधर आके हमसे बात करे। November 1, 2023 से 22 फरवरी 2024 के अंदर इतनी कन्वर्जन वैल्यू, शाहिद अनवर को बोलो मेरे पास आ जाए, उसके मैं डबल ट्रिपल कर दूंगा, शॉपिफाई जिधर भी वो कर रहा है, अमेजोन सब उठा लेंगे गेम गूगल के ऊपर। अभी जितने भी 2 टके के यूट्यूबर कैमरे के सामने हक्के बक्के बन के हलते हैं, फिर बोलते हैं यार आप रेलिवेंट नहीं हो, तुम्हारा बाप रेलिवेंट था, है और रहेगा, पर वो फर्क ये कि तुम यूट्यूब पे व्यूज चेस करते हो, हम अपने बैंक अकाउंट में व्यूज सॉरी नंबर चेस करते हैं। गरीब के बच्चों बोलेंगे भाई रिफ्रेश करके दिखाओ, रिफ्रेश करते हैं, एल से बोले लसन, तुम्हारा दिमाग गंदा है, आजकल चल रहे रमजान रोजे। अब ये देखो 12 मिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 13 मिलियन डॉलर, अब गूगल पे जाके कन्वर्ट करो $13 मिलियन इनटू PKR। तुमने कैमरा खरीदा, मैं पूरी कैमरे की कंपनी खरीद लूं। ठक्के गए यूट्यूबर, सेल्फ मेड, याद रखना औकात बाप बाप होता है। अस्सलाम वालेकुम।
तरफ वाकई फुरकान शेख इतना बना रहे हैं या तो जस्ट उन्होंने ऐसे ही पोस्ट शेयर कर दिए इनके अगेंस्ट, ये तो फिर आप लोग बताएं। okay, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिलेटेड बात कर लेते हैं। सीन को जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बाबर आजम जो है वो कैप्टन बन चुके हैं और उसके बाद काफी ज्यादा ऐसे र्यूमर्स वगैरह आ रहे हैं कि बाबर और शाहीन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और बाबर वर्सेस शाहीन चल रहा है वगैरह वगैरह। और यार इसी दौरान शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह भी शेयर कर रहे हैं जिसमें कुछ इस टाइप का कॉन्टेंट होता है कि मैं अगर अपनी औकात पर आ गया तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूँ वगैरह वगैरह, लाइक इसी टाइप की कुछ स्टोरीज वगैरह भी वो शेयर कर रहे हैं। इसके बाद ये फिजा जो है वो काफी ज्यादा मजीद बढ़ चुकी है कि बाबर वर्सेस शाहीन जो है वो अब एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। लेकिन यार अभी जो सारा सीन वगैरह चल रहा था उसी के ऊपर इनकी तरफ से ही फुल स्टॉप लगा दिया गया है और यार शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर और रिजवान के साथ ये पोस्ट शेयर की है तो उसके बाद जो भी सोशल मीडिया पे र्यूमर्स वगैरह फैला रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी है। और यार इनके दरमियान सब ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। और यार बात अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिलेटेड चली रही है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर उस्मान खान जो के पहले यूएई के लिए खेलते थे वो अब हमें पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और यार जब उन्होंने यूएई को छोड़ा और अपनी कंट्री पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहा तो इसी के चलते यूएई की तरफ से उन्हें 5 साल का बैन दे दिया गया है और कोई भी इवेंट वगैरह जो यूएई की तरफ से कराया जाएगा उसका भी पार्ट नहीं होंगे ये। और पाकिस्तान को वापस रिप्रेजेंट करना इनके लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, उस्मान खान को यूएई से खेलना चाहिए था या उन्होंने पाकिस्तान में कमबैक करके अच्छा किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तरह हमारी जो अगली न्यूज है वो शुएब मलिक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस नवल सईद के रिलेटेड है। तो सीन कुछ ऐसा है कि नवल सईद जो है वो किसी मॉर्निंग शो वगैरह में गई हुई थी या तो किसी रमजान शो वगैरह में और यार उसी शो में वो बात करते हुए कहती है कि इनको जो है वो रात के टाइम किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के मैसेज वगैरह आए करते थे। और अब जब वो ऐसा कहती है तो उसके बाद जो होस्ट होती है नादिया वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए और वो प्लेयर्स के नाम वगैरह लेना स्टार्ट कर देती है, इसे कभी नसीम शाह बोलती है तो कभी इमाद वसीम तो कभी दूसरे दूसरे प्लेयर और इसी तरीके से बात जो है वो मेरिट क्रिकेटर्स तक आ जाती है। और यार कहीं ना कहीं फिर वो बात जो है वो इस तरीके से बन जाती है इससे लोगों को ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि शुएब मलिक है वो नवल सईद को रात के टाइम मैसेजेस वगैरह किया करते थे। और यार ये चीज जो है अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चल रही है और कहा जा रहा है कि शुएब भाई जो है वो तीसरी की भी तैयारी पहले से करके रखे हुए थे। लेकिन यार ये चीज जो है वो जस्ट उनकी तरफ से इसी तरीके से प्रेजेंट की गई थी, अब वो वाकई में शुएब मलिक या कोई और जो उनको रात के इस टाइम मैसेज किया करते थे ये तो खैर उनकी तरफ से कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जगली न्यूज है वो रजब भट्ट के रिलेटेड है। रिसेंटली रजब भट्ट ने भी एक वीडियो शेयर किया उन लोगों के अगेंस्ट जो कि डेली व्लॉगर्स वगैरह को सोशल मीडिया के ऊपर हेट वगैरह दे रहे होते हैं और या तो फिर वो चाहे एक्टर्स हो या तो फिर आम लोग, उन्हीं को रिप्लाई देते हुए रजब ने ये वीडियो शेयर की है। हाँ जी क्या हाल है। अच्छा जी बहुत ही एक पते की बात आपको आज बताने लगा हूं। जितने भी क्रिएटर जितने भी लोग फजूल बकवास कर रहे हैं ना आके डेली व्लॉगर्स के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे टिकटॉक हो, ये सब अंदर से फुल चले हुए बाबा फुल चले हुए हैं कि यार इतनी मजेदार जिंदगी फिर इतने प्यार करने वाले लोग फिर पैसे भी कमा रहे हैं यार हमसे क्यों नहीं हो पा रहा। जो भी अभी वीडियोस बना रहे हैं ना आगे कह रहे हैं कि यार हमसे ये डेली व्लॉगिंग वाले काम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाते, कूल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के यूट्यूब चैनल हैं लेकिन क्या है कि ये गिव अप करके बैठे हैं, इनसे कंटिन्यू नहीं हो सका। खाला जी का वाड़ा नहीं है डेली व्लॉग बनाना, डेली कंटेंट लेके आना और डेली अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना, खाला जी का वाड़ा नहीं है। ये लोग गिव अप करके बैठे हुए हैं, अब इनके अंदर से फुल जली हुई है कि यार हम क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने जब डेली व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था मैंने तब भी डेली व्लॉगर्स को बुरा नहीं कहा था, मैंने कहा था जब मेरे पास कंटेंट होगा मैं भी डेली व्लॉग करूंगा। खैर जलते रहो हम जलाते रहेंगे, चुपके रखोगा हम डेली व्लॉगर्स। फिर आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है आप लोग बता सकते हैं। मेरे पास तो यार आप सबके सिर्फ आज इतनी न्यूज थी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।